नन्हे पौधों की रंगीन दुनिया में सुंदरता के सम्राट कहलाए जाने वाले गुलाब से कौन वाकिफ नहीं होगा। गुलाब, जिसे अंग्रेजी में रोज कहते हैं, इसकी उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक शब्द रोड से हुई, जिसका अर्थ है लाल। प्रसिद्ध रोड द्वीप का नाम भी उसके चट्टानी किनारों पर उगने वाले बेहिसाब गुलाबों के कारण ही पड़ा। जीवाश्मों के अध्ययन से पता चलता है कि गुलाब एक बेहद प्राचीन पौधा है। गुलाब के बारे में वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस ने बताया कि यदि समय समय पर इसकी कटाई छटाई की जाए तो इसमें काफी मात्रा में अच्छे पुष्प निकलते हैं। प्राचीन काल से ही गुलाब सम्राटों का प्रिय फूल रहा है। सम्राट नीरो तो एक उत्सव में ही गुलाबों पर तकरीबन 17,000 पौंड खर्च किया करते थे। किसी भी पौधे के विकास में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुलाब क्षारीय और उदासीन मिट्टी में अधिक वृद्धि करते हैं। सड़ी गली पत्तियां, चाय बनाने के बाद बची चाय की पत्ती, जानवरों के खुर और सींगों का चूरा, हड्डियों का चूरा तथा पोटेशियम सल्फेट इसके लिए अच्छे उर्वरक हैं। सुंदर और मनमोहक गुलाब भारत ही नहीं वरन सारे विश्व में पाए जाते हैं। रोजा गेलिका यूरोप में, रोजा मोशेटा भारत और चीन में, रोजा डोमेसिना यूरोप और चीन में, रोजा इंडिका भारत और चीन में तथा रोजा विचुराइना जापान में पाया जाता है। गुलाब एक वर्षीय या बहुवर्षीय झाड़ी होती है। इसकी कुछ प्रजातियां लता भी होती हैं। गुलाब में झकड़ा जड़तंत्र पाया जाता है। इसका तना शाकीय अथवा काष्ठीय होता है। तना हल्का लाल या हरे रंग का होता है। तने में कांटे पाए जाते हैं जो जानवरों से इसकी रक्षा करते हैं। इसकी पत्तियां संयुक्त और असंपिच्छवत होती हैं। पत्तियां शाखाओं पर एकांतर क्रम में व्यवस्थित और अनुपर्णीय होती हैं, जिसमें अभिलग्न अनुपर्ण होते हैं। पत्तियों में 3 से 5 तक पर्णक हो सकते हैं। पत्तियां अंडाकार होती हैं और इसके किनारे आरावत। इनका शीर्ष सूच्याकार होता है। पत्तियों में एक शीर्ष जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। गुलाब का पुष्पक्रम एकल और कक्षस्थ होता है। सामान्यतः पुष्प एकल होता है, किंतु कुछ प्रजातियों विशेषकर लताओं में ये गुच्छों के रूप में पाया जाता है। गुलाब का पुष्प अनुपत्री, त्रिज्या सममित, पूर्ण, द्विलिंगी, चक्रीय, पेंटामेरस और परिजायांगी होता है। बाह्य दलपुंज 5 पालिवत बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। ये आधार से कोर स्पर्शी विन्यास द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें से एक बाह्य दल
सामान्यतः पत्तियों के जैसा होता है। दलपुंज मुक्त दलीय होता है। इसमें पांच पांच के कई चक्रों में असंख्य दलपत्र व्यवस्थित होते हैं। दलपत्रों का रंग लाल, गुलाबी, पीला, श्वेत, नारंगी, काला, यहां तक कि हरा भी होता है। उद्यानों की प्रजातियों में असंख्य दलपत्र होते हैं, क्योंकि बाह्य चक्रों के पुंकेसर दलपत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। गुलाब के पुमंग में असंख्य पुंकेसर होते हैं। पुंकेसरों के पुतंतु लंबे, पतले, दलाब और पुष्पासन के शीर्ष पर जायांगों के चारों ओर चक्रों में व्यवस्थित रहते हैं। पराग कोश छोटे, द्विकोष्ठीय और आधार लग्न होते हैं। बाह्य चक्रों के पुंकेसर दलपत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे द्विरूपता या कोराइसिस कहते हैं। जायांग बहुअंडपी और मुक्तांडपी होते हैं। अंडप पुष्पासन के कप में घिरे रहते हैं। अंडाशय अर्ध उत्तरवर्ती और एक कोष्ठीय होता है। प्रत्येक कोष्ठ में एक अंडप होता है, जिसका बीजांड न्यास आधारीय होता है। वर्तिका लंबी, वक्रीय और वर्तिकाग्र गोलाकार होती है। अंडाशय और वर्तिका दोनों रोमीय होते हैं। गुलाब का पुंजफल छोटे छोटे एकिनों से बना होता है। एकिनों को घेरने वाला कप शुरू में हरा और परिपक्व होने पर पीले अथवा लाल रंग का हो जाता है, जिसे हिप कहते हैं। उद्यानों में उगाई जाने वाली प्रजातियों में सामान्यतः फल और बीजों का बनना रोक दिया जाता है। गुलाब का पुष्प सूत्र इस प्रकार है: सहपत्रीय, त्रिज्या सममित, द्विलिंगी, बाह्य दलपुंज में पांच बाह्य दल संयुक्त, दलपुंज पांच पांच के कई चक्रों में, पुमंग में असंख्य पुंकेसर, जायांग बहुअंडपी और अंडाशय अर्ध उत्तरवर्ती होता है। गुलाब का वानस्पतिक वर्गीकरण इस प्रकार है: फाइलम एंजियोस्पर्मी, सब फाइलम डाइकोटिलेडनी, डिवीजन पॉलीपेटली, सीरीज कैल्सीफ्लोरी, ऑर्डर रोजेल्स, फैमिली रोजेसी, जीनस रोजा, स्पीशीज इंडिका। गुलाब का पुष्प आरेख इस प्रकार है: गुलाब सामान्यतः कलम रोपण द्वारा उगाया जाता है। पौधशालाओं में कलम लगाने से पहले कलम पर कुछ हार्मोनों का प्रयोग किया जाता है, ताकि जड़ों की शीघ्र ही अच्छी वृद्धि हो सके। ऐसे कुछ हार्मोन इस प्रकार हैं:
रूटोन अथवा इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल और हार्टोमोन अथवा नेप्थेलिन एसिटिक अम्ल। चूंकि गुलाब कई रंगों में उपलब्ध होते हैं, अतः ग्राफ्टिंग द्वारा आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अलग अलग रंगों के गुलाबों की शाखाओं को एक ही पौधे पर रोपित करते हैं, जिससे कि एक ही पौधे पर कई रंगों के फूल प्राप्त किए जा सकें। ग्राफ्टिंग या रोपण में पहले मूल पौधे की शाखा और दूसरे पौधे की कलम को थोड़ा सा खरोंच देते हैं, ताकि कैम्बियम उत्तक दिखने लगे। बाद में दोनों को रोपण मिट्टी लगाकर बांध देते हैं। रोपण मिट्टी दो भाग मिट्टी, एक भाग गोबर और कुछ नम बारीक भूसे को मिलाकर बनाई जाती है। ग्राफ्टिंग के एक सप्ताह बाद मुख्य शाखा और कलम के बीच केलस का निर्माण हो जाता है, जिसके बाद वो कलम मूल पौधे का अंग बन जाती है। कलिका लगाना कलम लगाने का ही दूसरा रूप है। गुलाबों की विभिन्न प्रजातियों के प्रजनन का ये मुख्य तरीका है। इस विधि में एक प्रजाति की कली को दूसरी प्रजाति के पौधे की शाखा में छाल को चीरकर रोपित करते हैं। फिर इसे बांध देते हैं। कुछ सप्ताह बाद इससे नई शाखाएं निकलती हैं। प्राचीन काल से ही अपने अलग अलग रूपों में गुलाब खुशबू बिखेरता रहा है। गुलाब से बने भीनी भीनी खुशबू वाले इत्र मुगल सम्राटों को विशेष तौर पर लुभाते आए हैं, इसलिए गुलाब से इत्र निकालने की खोज का श्रेय भी मुगलों को ही जाता है। क्या आपने कभी जहांगीरी इत्र का नाम सुना है? वास्तव में ये इत्र गुलाब की पंखुड़ियों से बना आसो होता है। एक पाउंड इत्र प्राप्त करने के लिए लगभग 20,000 पाउंड गुलाब के फूलों की आवश्यकता होती है। अच्छी गुणवत्ता का इत्र सुबह सुबह एकत्र किए जाने वाले ताजे गुलाब की पंखुड़ियों के आसवन से प्राप्त होता है। ताजा इत्र रंगहीन होता है, किंतु बाद में पीले या हरे रंग का हो जाता है। इत्र निकालने के बाद बचे हुए पानी को गुलाब जल कहते हैं। गुलाब जल सुगंधित और आंखों पर अच्छा प्रभाव डालने वाला होता है। गुलाब का उपयोग गुलकंद बनाने में भी किया जाता है। गुलकंद गुलाब की पंखुड़ियों को शक्कर की चाशनी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। ये बहुत ही शक्तिवर्धक और रेचक प्रकृति का होता है।
गुलकंद को पान के साथ मिलाकर भी खाया जाता है। फिजाओं को बहकाने वाला गुलाब आज लगभग सभी धार्मिक उत्सवों और सामाजिक समारोहों का अभिन्न अंग बन गया है। इसमें न सिर्फ श्रृंगारिक मूल्य बल्कि औषधीय गुण भी होते हैं। सुंदर शोख गुलाब, मदमस्त गुलाब, मदहोश कर देने वाले सुगंधित कोमल गुलाबों की सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना बेहद ही मुश्किल है। तभी तो जीट्रूड स्टीन ने जब पहली बार गुलाब को देखा तो इसकी मनोहारी सुंदरता में ऐसे खो गई कि गुलाब के बारे में इसके अतिरिक्त और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि रोज इज अ रोज इज अ रोज इज अ रोज।